हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे एससीईआरटी द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 19 मार्च 2022 क्रमांक संख्या 49 आज की कार्य पत्रिका कक्षा नर्सरी की है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा बच्चों। ये पठन अभियान की वर्कशीट है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे शिक्षक और शिक्षिका का नाम। तो चलिए बच्चों, अगर आपको लिखना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो घर में किसी बड़े की सहायता जरूर ले लीजिएगा, वो आपकी मदद करेंगे। तो देखते हैं क्या दिया गया है वर्कशीट में। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। भाग संख्या एक, बच्चों कहानी सुनना सभी को अच्छा लगता है। आइए आज हम एक आपको कहानी सुनाएं। कहानी का नाम है बादलों की सैर। तो बच्चों आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है ना, तो चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है बादलों की सैर। यहाँ पे क्या दिया है बच्चों देख लेते हैं। अमर के पिता एक किसान थे। एक दिन उन्होंने अमर को रात के समय गन्ने के खेत की रखवाली करने को कहा। अमर रात भर जाकर खेत की रखवाली करने लगा, तभी उसे कुछ आवाज़ आई। एक सफ़ेद हाथी उसके खेत में गन्ने खा रहा था। अमर को देखकर हाथी हवा में उड़ने लगा। अमर ने उसकी पूंछ कसकर पकड़ ली और वह भी हाथी के साथ उड़ने लगा। बादलों के ऊपर अमर एक बगीचे में पहुंचा, जहां बड़े बड़े पेड़ों पर तरह तरह के फल लगे थे। उसने वहां कुछ फल तोड़कर खाए जो बहुत मीठे थे। और यहां पे देखिए बच्चों आगे क्या हुआ। जब हाथी वापस नीचे आने लगा तो अमर भी उसकी पूंछ पकड़कर वापस आ गया और आकर अपने दोस्तों को सारी बातें बताई और उन्हें फल भी खाने को दिया। अगली रात अमर के दोस्त भी उसके साथ खेत पर गए। जब हाथी आया तो वे सब भी अमर के साथ हाथी की पूंछ पकड़कर बादलों की ओर जाने लगे। उड़ते हुए एक दोस्त ने पूछा, वहाँ पर अनार कितने बड़े होंगे। अमर ने हाथी की पूंछ छोड़कर दोनों बाहें फैलाकर जवाब दिया, इतने बड़े। तभी सब दोस्त तालाब में गिर गए और उदास होकर हाथी को दूर जाते हुए देखने लगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मज़ेदार थी ना ये कहानी। यहाँ पर ये अमर के पिताजी ने उसे कहा कि गन्नों की खेतों की रखवाली करो, तो वो रखवाली कर रहा था। तभी वहाँ कुछ आवाज़ सुनाई दी, जहाँ पर वो हाथी उसके सफ़ेद हाथी गन्ने खा रहा था। तब अमर को देखकर हाथी उड़ गया। अमर ने उसकी इस तरह से पूंछ पकड़ ली। फिर वो एक बगीचे में पहुंचा, जहां पर बहुत तरह तरह के फल लगे हुए थे। उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई और फल भी खाने को दिए। ये देखिए, वो सारी बात अपने दोस्तों को बता रहा था। फिर अगली रात उसके दोस्त भी उसके साथ खेतों में रुके और हाथी को देखा। हाथी उड़ा, हाथी की पूंछ पकड़कर सभी दोस्त आकाश की ओर उड़ने लगे। तब एक बच्चे ने पूछा कि वहाँ अनार कितने बड़े होंगे। यहाँ पर अमर ने गलती कर दी, हाथी की पूंछ छोड़ दी, कहा इतना बड़ा था। तो सब देखिए पानी में जो तालाब बना था ना, वहाँ पर उसमें आ गिरे और उदास होकर हाथी को जाता हुआ देखे। तो मज़ेदार थी ना बच्चों कहानी। चलिए आगे देखते क्या है। भाग संख्या दो, आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आइए इसके बारे में चर्चा करें। तो चलिए बच्चों इस कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। एक, अमर ने खेत में क्या देखा। तो अमर ने खेत में यहाँ पे सफेद हाथी बच्चों। अमर हाथी की पूंछ पकड़कर कहाँ पहुंचा, बगीचे में। फिर यहाँ पे देखिए, अमर ने बादलों के ऊपर क्या देखा। नहीं, यहाँ पे बच्चों ये सॉरी, यहाँ बगीचे नहीं है आएगा, यहाँ आएगा बादलों पर। यहाँ पे देखिए ये कहानी में, यहाँ पे अमर हाथी की पूंछ पकड़कर, ये देखिए, और वो बादलों के ऊपर पहुंचा। वहां पे ये बादलों आएगा बच्चों, बादलों कहाँ पहुंचा, बादलों में। और
अमर ने बादलों के ऊपर क्या देखा? बगीचा। यहाँ बगीचा आएगा बच्चों। अमर ने बादलों के बारे में किससे बताया? अपने दोस्तों से। तो यहाँ पे अपने दोस्तों से बताया। अपने दोस्तों से बताया। क्या आप भी अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना चाहते हैं और कहाँ? अगर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना चाहते हैं उसका नाम लिखिएगा बच्चों, और कहाँ जाना चाहते हैं उसके बारे में लिखिएगा कि आप यहाँ जाना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नोट, माता पिता कार्य करने में बच्चों की सहायता करें। अभिभावकों के लिए सुझाव कि अपने शब्दों में कहानी सुनने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जा सकता है। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी बाहर निकले बच्चों, 2 गज की दूरी बना के रखें। कोरोना को हराना है तो 2 गज दूरी बनाना है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वर्कशीट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर कर दें मेरे वीडियो को, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सेफ रहें। बाय बाय।